तो आज आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं आपको? चुड़कानी बनाना। हम बना रहे चुड़कानी की दाल। दाल नहीं, मतलब चुड़कानी बोलते हैं वैसे, पर एक थोड़ा सा जोड़ दिया मैंने पीछे से कि चुड़कानी की दाल। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल डिश पहाड़ों की भट्ट। भट्ट की चुड़कानी बना रहे हैं, तो दिखाता हूँ क्या होते हैं भट्ट। ये हैं भट्ट। मेरी एक पुरानी वीडियो आपने देखी होगी पहले, तो उसमें भी मैंने दिखा था ये बनाते हुए। तो आज फिर ये बना रहे हैं। ये होती गरम ध्यान में, लेकिन मजा आएगा। वन तो ये हैं सब्सक्राइब कर भट्ट, दो दिखे। भट्ट रे भट्ट। ये पड़ा है इसमें जीरा, अब पड़ा है इसमें प्याज। तो चूल्हे में बन रहा है आज स्पेशल डिश हमारी चुड़कानी भट्ट की। भट्टू सोयाबीन और क्या, ये सोयाबीन तो बढ़िया रहे हो। सोयाबीन की से ज़्यादा बेटर होती है, मतलब सोयाबीन भी खाते हैं लेकिन ये ज़्यादा पौष्टिक होती है उससे। और हमारे घर के भट्ट हैं, हमारे खेत के। और अब भट्ट हो रहे हैं फ्राई। हम इनको डीप फ्राई करेंगे हल्के, जब तक इनमें आवाज़ आती है चट 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 की, उसके बाद इनको खाया जाएगा। सारे चखे जाएंगे। इन्हें बोलते हैं भट्ट को कोलना, भट्ट कोलना। धीमा करना, ध्यान ध्यान है जरा सा। हाँ अभी पहले इनको हल्का हल्का, ये बिहार बस है, बिहार बस। अब हल्के हल्के हम अपने भट्टों को भुनेंगे, उसके बाद इनको तड़ा तड़ करेंगे। हाँ बात कर समझ, बस इसे लकड़ जगह कट कट इनको भुनेंगे, फिर इनको चखेंगे। जिसने मेरी वीडियो बनाई, भुनने का भी पता तब चलता है इसमें जब ये आवाज करने स्टार्ट कर देते हैं, टक 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 टक। ये जो होता है ना भट्ट, ये खाते हैं बरसात या सर्दियों में, इस तरह से चुड़कानी। तो लेकिन क्या है कि पहाड़ों में ठंड होती रहती है, तो आजकल यहाँ ठंड हो रही है, इस वजह से इसको खा रहे हैं हम भट्ट चुड़कानी। बाकी इसके डुबके भी बनते हैं पीस के, इनको पीस के भिगा के पहले पीस के वो भी बनते हैं, और वो होता है ठंडा, तो वो गर्मियों में ज़्यादा यूज किया जाता है। पर ये भी आजकल जब ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तब डुबके खाते हैं, और जब ठंड होती है तब चुड़कानी खाई जाती है। अब देख निकल गए थोड़ा से चखने के लिए, ये चखना आ गया। अब रखा गया इसमें गेहूं का आटा, इसका असली स्वाद आता है गेहूं के आटे से, तो उसको थोड़ा गेहूं का आटा भी भुना जा रहा है इसके साथ साथ। ये क्रंची हो गई, बहुत बहुत ठीक हो गया अभी। जो रखा गया पानी इसमें कुकर से, वो भी जंग नहीं होना ना भतीरपन। मैंने इसके कपाल फोड़ देनी है। जो पड़ी इसमें हल्दी, तो बस अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दो। ये हो गया गाढ़ा, इसमें थोड़ा पानी डाला जाएगा, एक लोटा पानी लेके आओ ना। चूल्हे का खाने का स्वाद वो कहीं नहीं मिलेगा जो चूल्हे का खाने का स्वाद होता है। आपने कभी तौली में भात खाया? तौली में नहीं खा रखा होगा। तो यहाँ हमारा फाइनल सब कुछ हो गया है, बस अभी हल्की आंच में इसको पकने देना है। हाँ। देख रहे होंगे आप चूल्हे की आंच बहुत हल्की कर दी है, अब ये काफी लगभग आधा घंटे तक ये उबलेगा, उसके बाद इसको इसमें ये मिलाया जाएगा, ये पीसेंगे अभी हम सिलबट्टे में लहसुन और ये हरी मिर्च हो, उसके बाद डालेंगे इसमें। मिर्च और नमक हो गया हल्की,
लहसुन और हरी मिर्च को पीस रहे हैं हम सिलबट्टे में, वहाँ चलते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर जाएं वैक्सीन लगाएं, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगा ली है, अब आपकी बारी है वैक्सीन लगाने की, तो आप लोग ज़रूर जाएं वैक्सीन लगाने। डरिए मत, बुखार वगैरह कुछ नहीं आ रहा उससे, हर किसी को नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आया है, मेरे घर में किसी को भी नहीं आया, सबको वैक्सीन लग चुकी है, तो जाएं और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ये धनिए के दाने, क्या धनी पतील नहीं मिला? अरे कुछ बोल, हो गया तैयार, वेरी गुड। अब चले नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, रख दिया ये। और इसमें जो टेस्ट आएगा वो ना, तो हमारा गार्लिक और मिर्च इसमें पड़ गई है, अभी हल्की आंच में और पकता रहेगा धीरे 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 धीरे। अभी 20 मिनट और पकाना है इसको, उसके बाद इसका टेस्ट बहुत